हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका 8वां महीना चल रहा है तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस और ऐड कर लेनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। जैसे आपका 8वां मंथ चल रहा है तो इस टाइम आपको अपने शरीर को, आपकी जो डिलीवरी होने वाली है उसके लिए आपको अपने शरीर को प्रिपेयर करना है। मेन फोकस इसमें हमारा यही रहेगा कि जब आपका लेबर होने वाला है उसके लिए आप अपने शरीर को किस तरह से प्रिपेयर करोगे। तो इसमें मेनली आपकी जो आपके हिप मसल्स हैं, बैक मसल्स हैं, लेग मसल्स हैं, अडक्टर मसल्स हैं, सभी की स्ट्रेचिंग होने वाली है इसमें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जब आपकी डिलीवरी होगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। मोस्टली क्या होता है, जब कोई फीमेल लेबर पेन से गुजर रही होती है तो जो पेन होता है वो तो ठीक है, अलग होता है, जो आपके यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस का है। लेकिन कुछ फीमेल्स को जो आपके पैरों की स्ट्रेचिंग नहीं हुई है, शॉर्टन हो रखी है मसल, जैसे कि जो आपकी डॉक्टर होंगे वो बोलेंगे आपको इस पोजिशन में पैर रखने हैं, तो उसमें वो नहीं मेनटेन कर पाती है क्योंकि पहले से आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की ही नहीं, आपकी मसल शॉर्टन है, तो वो पेन अलग से ऐड हो जाता है। तो वो सब आपको दूर हो जाएंगे इन एक्सरसाइज करने से और आपके जो लेबर होगा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारी बटरफ्लाई स्ट्रेच। इसको करने के लिए आपको इस तरह से ज़मीन पर बैठ जाना है, दोनों नीज को फोल्ड करना है और आपको जो दोनों फुट है उनको आपस में मिला लेना है और कोशिश करें कमर को सीधा रखने की। होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी कोई बात नहीं। मेन है हमारा इसमें हमारी जो हिप की अडक्टर मसल्स है उनको स्ट्रेच करना है। इस पोजिशन में बैठ कर आपको इस तरह से अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे की तरफ मूव करना है और अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप अपने हाथों की हेल्प से भी अपने नीज को नीचे की तरफ पुश डाउन कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा खासा अपनी अडक्टर मसल्स में स्ट्रेच फील होगा। स्ट्रेचिंग की वजह से आपकी सारी पेरिनियल मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज है स्क्वैटिंग। इस एक्सरसाइज को आपको बिना सपोर्ट के बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, इस तरह से आपको अपने हाथों में कोई हाउस होल्ड फिक्स ऑब्जेक्ट, आप उसको होल्ड करेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ बैठकर स्क्वैट करेंगे। जितना आपसे होता है उतना करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल पूरा नीचे ही बैठना है, बस आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। इस तरह से आपकी जो पेरिनियल मसल्स है वो पूरा स्ट्रेच हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी लेबर में। अगर आपकी कंडीशन नॉर्मल है और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में तो आप ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार कर सकती हैं और हर एक एक्सरसाइज का रिपीटेशन टाइम 15 है। और याद रखें कि आपकी पोजीशन हमेशा कंफर्टेबल होनी चाहिए। आप ये कोशिश ना करें कि दूसरा बंदा इतने एक्सरसाइज कर रहा है या इतने अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है, मुझे भी ये करना है। नहीं, जितने में आप कंफर्टेबल है उतने से एक्सरसाइज कीजिए और बस आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइजेस मैंने भी आपको बताई हैं ये आपको 8वें महीने में करनी है और जो आपका 9वें महीने की स्टार्टिंग के 2 वीक्स होंगे आपको तब तक करनी है। इट मींस आपको ये एक्सरसाइजेस जो अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं ये आपको कुल 1.5 महीने के लिए करनी है। जब 9वें महीने के लास्ट के 2 वीक्स बच जाते हैं उसमें आपको नहीं करनी है। उसमें आपको रेस्ट करना है, हेल्दी फूड खाना है, सुबह शाम आप वॉक कर सकते हैं और आपको उसमें सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, जो कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि 7 मंथ तक आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। उसमें जो मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की है बस वही करनी है 9th मंथ के लास्ट के 2 वीक्स में, बाकी सारे एक्सरसाइजेज स्टॉप हो जाएंगी। तो अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो, आपको लगा हो कि मैंने आपके लिए कुछ फ़ायदे की बात बताई है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।